हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एक्सपेंड करने के लिए हमें दिया गया है, एफ जेड बराबर वन अपॉन जेड प्लस वन और जेड प्लस थ्री इन द ल्यूरेंट सीरीज वैलिड इन द रीजंस। दोस्तों जो हमें कुछ रीजन दे रखे हैं, फंक्शन दिया गया है यहाँ पर, और हमें इससे जो है ल्यूरेंट सीरीज में वैलिड एक्सपेंशन करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सॉल्यूशंस को इस तरीके से कि हमें एफ जेड दे रखा है। दोस्तों एफ जेड हमें दिया गया है वन अपॉन जेड प्लस वन और जेड प्लस थ्री। ठीक है, अब करना क्या है कि हमें इसमें ना आंशिक भिन्न लगानी है, यानी कि पार्शल फ्रैक्शंस लगाने हैं। तो पार्शल फ्रैक्शन जब हम इसका करेंगे दोस्तों, तो मैंने तो डायरेक्टली कर लिए इस तरीके से हैं, और आप भी इसे कर सकते हैं डायरेक्टली वन अपॉन जेड प्लस थ्री। ठीक है, अब करना क्या होता है, मैं फंक्शन को थोड़ा एक बार बिल्कुल अच्छे तरीके से मॉडिफाई करके लिख देता हूँ, और z प्लस वन हो जाएगा माइनस के वन अपॉन टू जेड प्लस थ्री। ठीक है, अब करना क्या है, हम लोग शुरू करते हैं अपने जो हमें गिवन रीजन्स है ना, इस पर हम लोग काम करते हैं। तो फोर गिवन रीजन्स हमारे पास, जो पहला रीज़न है दोस्तों उस पर हमें दे रखा है उन्होंने कि जब z का मोड लेस देन वन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ना, आपको वन को ग्रेट करना है, जेड को ऐसे रहने देना है। तो अपने फंक्शन को इसी के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। मैं आपको बहुत इजी तरीके से करा रहा हूँ ये क्वेश्चन। मैं जेड और वन में रिलेशन निकालना है इस तरीके का कि मेरा वन बड़ा हो जाए, जेड छोटा हो जाए। तो यहाँ पर तो ईजिली आप कर सकते हैं वन प्लस जेड टाइप। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम क्या ऐसा करेंगे, यहाँ पर करने के लिए आप ऐसा करिए, थ्री को कॉमन ले लीजिए। जैसे आप थ्री कॉमन लेंगे तो आपके पास हो जाएगा यहाँ z अपॉन थ्री हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा वन। ठीक है, अब सिंपल आपका बन चुका है, आप वन अपॉन टू और बाकी रिजल्ट ले जाइए ऊपर, वन प्लस जेड की पावर माइनस के वन हो जाएगा, और ये माइनस के वन अपॉन सिक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा वन प्लस जेड अपॉन थ्री की पावर माइनस के वन। अब यहाँ से क्या करिए, आप सीरीज को ओपन कर दीजिए। तो आप जैसे सीरीज को ओपन करेंगे तो वन माइनस के जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड की पावर थ्री, सॉरी ये माइनस का आएगा। ऐसे ही दोस्तों प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, ऐसे ही ये वन अपॉन सिक्स की टाइप का होगा, वन माइनस जेड अपॉन थ्री प्लस के जेड अपॉन थ्री का होल स्क्वायर फिर माइनस एंड सोन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब करना क्या कि हमारे जी पी में है, साफ साफ दिख रहा है, तो जी पी का फॉर्म लगा दीजिए। ठीक है, या फिर हम लोग को जी पी में तो जाना नहीं है, हम लोग को इसे वापस सीरीज में लेके जाना है इसे। तो हमने जैसे ना माइनस वन के साथ लगा दिया, माइनस वन की पावर एन और जेड की पावर एन, हमने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे, वन अपॉन सिक्स हो जाएगा और यहाँ जो रिजल्ट आएगा माइनस वन की पावर एन हो गया, और जेड अपॉन थ्री की पावर जो हो जाएगा दोस्तों वो ओवरऑल एन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना समीशन का यूज़ कर लेते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक समीशन लेना है हमें जैसे। तो अब समीशन में मेन दोस्तों क्या होता है कि मेरे सारे रिजल्ट ये आ जाने चाहिए, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करा जीरो से। जब मैं जीरो लगूँगा समीशन में, तो जीरो रखने पर रिजल्ट मेरा ओवरऑल कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, जब मैं वन रखूँगा यहाँ पर तो मेरा आ जाएगा माइनस वन की पावर वन, तो माइनस साइन आ जाएगा, और जेड अपॉन थ्री की पावर वन, तो मतलब इसका क्या होता है, ये रिजल्ट मेरा वन हो जाएगा। इस तरीके से मैंने बना लिया। ऐसे दोस्तों मुझे यहाँ पर समीशन पर काम करना है, तो यहाँ पर भी एन बराबर जीरो से लेकर इन्फिनिटी वाला काम हो गया। अब थोड़ा सा फंक्शन को अच्छे तरीके से लिख देते हैं, वन अपॉन टू एन बराबर जीरो से लेकर इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन और जेड की पावर एन, और वन अपॉन सिक्स समीशन माइनस वन की पावर एन और जेड अप जेड की पावर एन अपॉन थ्री की पावर एन। ठीक है, अब ऐसा करते हैं दोस्तों, देखो दोनों पार्ट्स में कुछ ना कुछ कॉमन तो आ ही रहा है, या थोड़ा सा अब तो वैसे क्वेश्चन हमारा हो गया ही, लेकिन चलो अच्छा है इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं अच्छे तरीके से। माइनस वन की पावर ये एन अपॉन टू हो गया और जेड की पावर एन, और यहाँ पर भी मैं दोस्तों ऐसे ही करता हूँ, जीरो से स्टार्ट है इन्फिनिटी तक है, एन बराबर जीरो से लेकर इन्फिनिटी। अब दोस्तों ये सिक्स आएगा ना यहाँ, जैसे सिक्स लिखूंगा तो दो जगह ब्रेक कर लूँगा, टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री। अब जैसे मैं दोस्तों थ्री में करूँगा, थ्री तो पहले से प्रेजेंट था, तो थ्री की पावर हो जाएगी एन प्लस वन। ठीक है, अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, नहीं तो आपका आंसर तो यहाँ पर भी आंसर हो गया आपका, ये यहाँ पर भी आपका आंसर हो चुका है। अब थोड़ा सा मॉडिफाई और कर लेते हैं, तो एन बराबर जीरो से लेकर इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस वन की पावर एन अपॉन टू कॉमन आ गया, जेड की पावर एन बचा, माइनस वन अपॉन थ्री जेड की पावर एन अपॉन थ्री, सॉरी एन प्लस वन, ये तो कॉमन आ गया ना, इतना आपका बच गया। ठीक है, अब इसे और भी कर सकते हैं आप, इसमें जेड भी कॉमन ले सकते हैं,
यानी कि सर और आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एन बराबर ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी और माइनस वन की पावर एन हो जाएगा अपॉन टू, वन माइनस वन अपॉन थ्री की पावर एन प्लस वन और जेड की पावर एन, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। दोस्तों इसमें अपॉन में जेड नहीं आया है, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ बनी है इस सीरीज़ को आप बोल सकते हैं मैक्लॉरिन सीरीज़, ठीक है, और टेलर सीरीज़ भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास सेंटर है वो ओरिजिन है। अब जब जब ऐसा होता है टेलर्स में तो वो भैया ल्यूरेंस, वो आपकी जो ल्यूरेंस बनती है वो आपकी मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशंस कहलाती है, ठीक है। तो ये मैक्लॉरिन एक्सपेंशन क्योंकि यहाँ पर ये जीरो पर डिपेंड हुई है, वैसे आप इसे टेलर भी कह सकते हैं लेकिन आपको बोलना पड़ेगा जीरो पर डिपेंड है, ठीक है। अब इसका करते हैं पार्ट टू दोस्तों, पार्ट टू सॉरी पार्ट टू के लिए दोस्तों हमें ऐसा करना है कि हमें जो गिवन है जेड का मोड लेस देन थ्री और ग्रेटर देन वन, जेड का मोड जो है वन से तो बड़ा है ग्रेटर देन है। तो अब इस बात को और क्या लिख सकते हैं, इस बात को थोड़ी सी मॉडिफाई करके लिख दीजिए इस तरीके से कि इसको अलग कर दीजिए और इन दो के साथ रिलेशन ले लीजिए आप अलग। इससे फ़ायदा क्या होगा कि वन अपॉन जेड है ना, वन को बड़ा बनाना होता है, वन कर लेंगे और यहाँ पर जेड अपॉन थ्री। अब दोस्तों जब जब जेड वन के साथ होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, वन के साथ होगा तो जेड को कॉमन लेना पड़ेगा और जब वो थ्री के साथ होगा तो हमें थ्री को कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इस फंक्शन को हमें बनाना है पहले, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। आओ चलते हैं आगे, जो मैं फंक्शन दे रखा दोस्तों पहले उसको नोट कर देते हैं कैसे दिया था हमें फंक्शन वो, और फंक्शन नोट करने के साथ साथ ऐसे करते हैं हम उसमें सॉल्व भी कर लेते हैं इसको ध्यान में रखते हुए कि हमें जेड अगर वन के साथ है तो वहाँ पर हमें जेड को कॉमन लेना है और जेड अगर थ्री के साथ है तो वहाँ पर हमें थ्री को कॉमन लेना है। चलिए इस फंक्शन में काम करना है अब तुम्हें, तो आपने क्या काम करा है यहाँ से देखिए बहुत ईजी है, आप आराम से समझ जाएंगे इसे करना। यहाँ से क्या करेंगे आप लोग, वन के साथ है जेड कॉमन ले लेंगे यानी टू जेड हो जाएगा और रिजल्ट बनेगा आपके पास वन प्लस वन अपॉन जेड, अब मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ, और माइनस के वन अपॉन सिक्स और यहाँ से थ्री जेड अपॉन थ्री हो जाएगा आपका और प्लस का वन, ठीक है। यहाँ से थ्री को मान लूँगा सिक्स बन जाएगा और जेड अपॉन थ्री प्लस वन, ठीक है। अब थोड़ा सा ना इसको ऊपर ले जाइए और सॉल्व कर लीजिए, वन अपॉन टू वन प्लस वन अपॉन जेड की पावर माइनस के वन और हो जाएगा वन अपॉन सिक्स वन प्लस जेड अपॉन थ्री की पावर माइनस के वन। अब क्या करेंगे इसको दोस्तों, हम लोग इसे ओपन कर लेंगे अब, और ओपन करने के बाद हम इसे सीरीज़ में लिख लेंगे, फिर बस हमारा क्वेश्चन हो गया, वन अपॉन जेड प्लस के वन अपॉन जेड का स्क्वायर हो जाएगा और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, वन अपॉन सिक्स हो जाएगा दोस्तों हमारा, इसे रूल अप्लाई करेंगे, वन माइनस के जेड अपॉन थ्री प्लस जेड अपॉन थ्री की पावर टू एंड सो ऑन। दोस्तों जिस तरीके से हमने सीरीज समीशन कंडीशन लगाई थी वहाँ पर, तो ऐसे ही यहाँ पर समीशन कंडीशन लगा देता हूँ, एन बराबर जीरो से लेकर इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन और वन अपॉन जेड की पावर हमारी एन हो जाएगी। अगर इसे बनाना चाहें तो इससे बन जाएगी, वन अपॉन सिक्स हमारा अलग हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस वन की पावर आपकी एन, समीशन लगा देता हूँ मैं, एन बराबर जीरो से लेकर इन्फिनिटी एन और जेड अपॉन थ्री की पावर दोस्तों यहाँ एन बन जाएगी। जिस तरीके से पीछे हमने उस फंक्शन को मॉडिफाई किया था यहाँ पर भी हम लोग ऐसा करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, माइनस वन की पावर एन हो जाएगी और एन बराबर जीरो से लेकर हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों मैं इसे अंदर लेके जाऊंगा तो जेड की पावर देखो यहाँ पहले से ही जेड की पावर एन है और एक पावर दोस्तों यहाँ से आ रही है तो जेड की पावर हो जाएगी एन प्लस वन, ठीक है। अब मैं ऐसे ही यहाँ पर क्या करता हूँ, वन अपॉन सिक्स को अंदर एंटर करा देता हूँ, एन बराबर जीरो से लेकर इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन और जेड की पावर एन अपॉन थ्री की पावर एन। दोस्तों जैसे ही मैं सिक्स को अंदर एंटर कराऊंगा तो यहाँ आपका सिक्स आ जाएगा, लेकिन जैसे सिक्स आएगा उसको फैक्टर कर सकते हैं आप, टू इंटू थ्री, थ्री आएगा थ्री की पावर एक यहाँ ऐड हो जाएगी तो थ्री प्लस वन हो गया, बचा आपका यहाँ टू। तो दोस्तों इस तरीके से आपका आंसर हो गया, इसे और आगे करना चाहें तो इसे और आगे कर सकते हैं। दोस्तों मेरे लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। ओके तो मैं वैसे मॉडिफाई कर देता हूँ थोड़ा और ईजी लगे, तो मैंने क्या काम करा जितने भी पॉसिबिलिटीज थी कॉमन लेने की मैंने वो कॉमन ले ली यहाँ से, और जेड की पावर एन थ्री की पावर एन प्लस वन, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब दोस्तों इसमें देखो जेड की पावर ऊपर भी आ रही है और जेड की पावर नीचे भी है, तो इसका मतलब ये ल्यूरेंट ही है आपका, ये सीरीज जो बनेगी दिस इज ल्यूरेंट्स एक्सपेंशन है ना, ये ल्यूरेंट एक्सपेंशन है दोस्तों क्योंकि इसमें जेड की पावर पॉजिटिव में भी है और निगेटिव में भी है, इन द रीजन जेड लेस देन थ्री लेस देन इक्वल टू वन। जय हिंद।